नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आखिर क्या कारण है जिस वजह से आपकी खुशियों को नजर लगती है? कितनी भी आप कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन आपसे जलने वाले आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं होने देते हैं। और दोस्तों, आपके साथ में भी क्या ऐसा होता है कि अब आपको लगने लगा है कि भगवान भी अब आपकी नहीं सुनता है, और ईश्वर इतना निर्दयी कैसे हो गया? वो केवल उन्हीं की सुनने लगा जो लोगों का बुरा करते हैं, उनसे ईर्ष्या की भावना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आपकी राशि के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो आपके जीवन को बदलने में पूरी तरह से सहायक होने वाली है। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे आपकी खुशियों को नजर क्यों लगती है और आपका भाग्य उदय आखिरकार कब होगा। यानी कि दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि उसका भाग्य उदय कब होगा और कब वो दिन आएगा जब उसकी किस्मत चमक जाएगी, जब हमें ढेर सारा खुशियाँ मिलेगा, धन मिलेगा, हर खुशी हमारे पास होगी, हर भौतिक चीज हमारे पास होगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आज हम आपके राशि से जुड़े हुए जातकों के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हमारे कष्टों को दूर करो अवश्य लिखिएगा, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके भी जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कुछ खास बातें जिस कारण से दोस्तों आपकी खुशियों को नजर लगती है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप समस्या का सीधे सीधे सामना करने पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सतर मूर्ख की तरह केवल सर छुपा लेते हैं और बाकी के जीवन में इसी कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर कहीं ना कहीं इतना तो है ही कि आप तमाम परेशानियों से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आवेश में आकर आप कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में बहुत पछतावा होता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी गलती आपने कैसे कर दी। दोस्तों, एक ये भी कारण है जो आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग की खुशियों को नजर लग जाती है, या फिर आप अपनी खुशियों को नजर स्वयं लगवा देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अपनी इम्पोर्टेंट यानी कि जो सीक्रेट्स बातें होती हैं, जो आपकी रहस्यमय बातें होती हैं, हर बातें सबके सामने उजागर नहीं करी जाती हैं। कभी कभार आप बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, इसी खुशी में आकर आप अपने बड़े राज, अपने दिल के गहरे राज, आप ऐसी चीज़ें लोगों को बता देते हैं जो आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। बाद में दोस्तों, यही वो लोग होते हैं जो आपकी इन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। तीसरी चीज जो हम आपको बताते हैं दोस्तों, वो ये है कि लोग आप पर बुरी नजर रखते हैं। यानी कि कभी कभार जब आप अपने जीवन में सफल हो रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपकी खुशियों को नजर लगा देते हैं। सबसे बड़ा यही कारण होता है कि ईश्वर आपके साथ में कहीं ना कहीं होते हुए भी नहीं हो पाता है, आपका साथ नहीं दे पाता है, इसलिए इन महत्वपूर्ण सावधानियों को आपको रखना बहुत आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आगे जानते हैं कि आखिरकार आपकी मन की मुरादें कब पूरी होने वाली हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए कर्म प्रधान होता है, यानी कि कर्म तो यानी कि कार्य तो व्यक्ति को करने ही होते हैं, तभी जाकर उसको सफलता प्राप्त होती है। और ये जो राशि है दोस्तों, आपकी राशि है, आप सोच कर चलिए कि आपकी राशि है वो बड़ी महाप्रकोप राशि बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोई भी राशि क्यों ना हो, लेकिन उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि यदि आपको मैं थाली में भोजन सजा कर देता हूँ तो उसे आपको अपने हाथों से स्वयं ही ग्रहण करना होगा, इसलिए आपको अपने कार्य को सर्वोपरि रखना है, सबसे आगे रखना है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दें, कुछ शनि का भी प्रकोप होता है, पर वो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। यानी कि दोस्तों, यदि आप काम करते हैं, आप ईमानदारी से अपने काम करते हैं और किसी भी तरह की कोई धोखेबाजी नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपको रिजल्ट भी उतने ही अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपने सबसे ज़्यादा अपने कामों पर ध्यान देना है, किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटना है। जो भी आप कार्य करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, या नौकरी करते हैं, या फिर आप दुकानदारी ही क्यों ना करते हो, या फिर आप किसी के घर पर ही काम क्यों ना करते हो, लेकिन अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान रहने की आवश्यकता है।
तो उसी में आपको लगे रहना है, उससे पीछे नहीं हटना है। तब भाग्य भी आपका मजबूत होगा, भाग्य उदय होगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कहीं ना कहीं आपका भाग्य बहुत मजबूत होता है, जो कि कुंडली में ग्रह की स्थिति से देखा जाता है। दोस्तों ये कि कौन सा भाव के अनुसार आपकी किस प्रकार की उम्र में आपकी किस्मत चमक सकती है, लेकिन दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, मेहनत करनी है, प्रयास करते रहना होगा। आप और जातकों की तुलना में ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं, अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ में भाग्य उदय होने के भी, भाग्य को प्रबल करने के भी कुछ खास उपाय हैं जो बहुत शुभ होते हैं आपकी राशि के जातकों के लिए। उन उपायों को भी आप अपने और कम प्रधान तो बने ही बने दोस्तों। शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं यदि व्यक्ति अपने काम पर ध्यान देता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं यदि आप जिन्हें आप समझ लेंगे तो जीवन में कभी मात नहीं खाएंगे और आपको अपने जीवन में कामयाबी अवश्य देखने को मिलेगी। सबसे पहले ये याद रखना है कि आपको अपने आप से दूसरों को से कम नहीं आंकना है, यानी कि जो भी दूसरा व्यक्ति कर सकता है वह आप भी कर सकते हैं। ज़्यादा संकोची नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों आपकी राशि के जातक कभी कभार अपने निर्णय को लेकर या बातों को लेकर कहीं ना कहीं संकोच यानी कि घबराने लगते हैं, तो ये बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि किसी भी चीज़ को नेगेटिविटी से लेना कि आप ये नहीं कर सकते हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो आप हर कार्य को कर पाएंगे जो सामने वाला व्यक्ति है, जो दूसरे व्यक्ति हैं। तो आप लोग को अपनी संकोच छोड़नी है और हर काम में आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। दोस्तों दूसरा, आपकी राशि के जो जातक होते हैं वो सबसे अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिए, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। यानी कि दोस्तों बुद्धि तो बहुत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्से में मंद बुद्धि वाले कार्य कर बैठते हैं। लेकिन इसका प्रयोग यदि सही तरीके से किया जाए तो बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि मन कहीं ना कहीं विचलित है, कभी एक काम में लगता है तो कभी दूसरे काम में लग जाता है। इसलिए फोकस रहना है अपने काम की तरफ, यानी कि जहाँ पर भी आप लगे हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं, उसी काम पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि एक को छोड़कर आप दूसरा कार्य करना चालू कर दें। इसलिए ज़्यादातर दोस्तों जो आपकी राशि के जातक हैं जो फेलियर पाते हैं, वो केवल इसी कारण से पाते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक कार्य करते हुए एक साथ दूसरे काम की तरफ, फिर तीसरे काम की तरफ वो मुड़ जाते हैं। आपको इस चीज़ पर फोकस रहना है, तब आप देखेंगे आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप कामयाब भी ज़रूर ही होंगे। कुंडली के हिसाब से देखूं दोस्तों कि हर राशि का एक वर्ष होता है कि जब जिन जिन वर्षों में आपका भाग्य उदय होता है, और दोस्तों ये आपके भाग्य भाव से देखा जाता है, आपकी कुंडली के भावों से देखा जाता है। और जहाँ तक आपकी राशि के लोगों की बात है या फिर दोस्तों आपकी योगियों की बात है, तो दोस्तों आपका भाग्य उदय होने के जो वर्ष होते हैं वो 25वें वर्ष से प्रारंभ होते हैं, यानी कि 25वें वर्ष में भाग्य उदय होगा। इसके बाद 28वें वर्ष में भाग्य उदय होगा। जीवन के जो वर्ष हैं इसमें कुछ ना कुछ उपलब्धियाँ आपको अवश्य मिलेंगी, तो इसलिए दोस्तों भविष्य में लाभ पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाएं, अपने कार्य पर ध्यान दें तो ये आपके लिए खास रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसके साथ ही अब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में जो आपको रखने की बेहद ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जिन लोगों के अंदर कोई कला है, यदि आपके अंदर कोई कला है और आपके अंदर कोई भी स्पेशल एक्टिविटी है या फिर दोस्तों आपके अंदर कोई भी कला है, तो दोस्तों आपको उसको अग्रसर करना है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी हो, तो दोस्तों उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही कार्य करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा छाई रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें।